हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सबकी खैरियत की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये हम सब के लिए और ख़ास करके महिंद्रा के लिए दोस्तों बहुत ही प्राउड मोमेंट है। उसकी वजह है फ्रेंड्स, महिंद्रा की XUV300 कार। दरअसल बात ये है दोस्तों कि रिसेंटली ग्लोबल क्रैश टेस्ट एजेंसी ग्लोबल NCAP ने महिंद्रा की XUV300 को 5-स्टार रेटिंग से नवाजा है दोस्तों। और ये टाटा नेक्सोन के बाद और एल्ट्रोज के बाद थर्ड इंडियन कार है दोस्तों जिसको 5-स्टार रेटिंग मिली है। और XUV300 को दोस्तों अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के मद्देनज़र 5-स्टार रेटिंग दी गई है और चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन को लेकर फ्रेंड्स 4-स्टार रेटिंग दी गई है, जो कि टाटा एल्ट्रोज एंड नेक्सोन से भी ज़्यादा है दोस्तों। अब ये हिंदुस्तान की सबसे सेफेस्ट कार बन जाती है दोस्तों। NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, जो कि एक इंडिपेंडेंट चैरिटी है दोस्तों, जो कि UK में रजिस्टर्ड है। और इसका जो दोस्तों की इनिशिएटिव है अभी, वो है सेफर कार फॉर इंडिया एंड सेफर कार फॉर अफ्रीका। ये कार्स का फेस टू फेस अराउंड 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर फ्रंट ऑफसेट टेस्ट कराती है दोस्तों, और उसके आधार पर 5-स्टार स्केल पर रेटिंग देती है। फ्रेंड्स, 2014 से 2020 तक ग्लोबल NCAP ने 38 इंडियन मेड कार्स को असेस किया है दोस्तों। और सिंस 2014 टू 2020 के बीच XUV300 को हिंदुस्तानी सड़कों पर सबसे सेफ कार माना गया है दोस्तों। उसकी वजह है दोस्तों, XUV300 की कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा ने इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये बन गई है सेफेस्ट इंडियन कार। इसके अलावा दोस्तों, महिंद्रा ने इसमें बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि 7 एयरबैग्स, 4 डिस्क ब्रेक्स एंड फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स एट्सेट्रा। हिंदुस्तान की तीन कारों ने दोस्तों 5-स्टार रेटिंग हासिल कर ली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, महिंद्रा XUV300 नंबर 1 पे आ जाती है, और टाटा की एल्ट्रोज सेकंड पर, और थर्ड है टाटा नेक्सोन। और इस लिस्ट में दोस्तों और कुछ कार भी हैं जिन्होंने 4-स्टार रेटिंग हासिल की है, जो हैं टाटा टियागो, टिगोर, वोक्सवैगन की पोलो, महिंद्रा की मोराजो, टोयोटा इटियोज, मारुति की ब्रेजा, टाटा जेस्ट जैसी कारें। टाइम बहुत बदल चुका है फ्रेंड्स, इंडियन कार कंपनीज ने बहुत तरक्की कर ली है। 2014 में जहां एक भी इंडियन कार को 5-स्टार रेटिंग नहीं मिल पाती थी, वहीं आज तीन तीन हिंदुस्तानी कारों ने 5-स्टार रेटिंग हासिल कर ली है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, XUV300 का मैंने एक रिव्यू वीडियो भी किया हुआ है, आपके लिए मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा। और अब इस कार को ख़रीदने की एक और बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि ये हिंदुस्तान में सबसे सेफेस्ट कार मान ली गई है। और अगर ये देखा जाए तो दोस्तों, 10 लाख के नीचे डीजल कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे पावरफुल कार है, क्योंकि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, जो कि किसी भी इंडियन कार का नहीं है। और दोस्तों, और अभी से NCAP ने 5-स्टार रेटिंग भी दे दी है। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सेफ्टी रेटिंग मिलती है, ये जो टेस्ट होता है, ये बेस वेरिएंट पे किया जाता है। ये 2 एयरबैग वेरिएंट पे टेस्ट हुआ है, जिसमें इसको 5-स्टार रेटिंग मिली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं। महिंद्रा XUV300 का एक टेस्टिंग व्हीकल काफ़ी बार देखा जा चुका है, और न्यूज़ में भी है ये, कि महिंद्रा XUV300 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ इस कार को उतारने वाली है मार्केट में, जो कि XUV300 स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। ये दोस्तों 3 सिलेंडर इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है ये। 130 bhp पावर प्रोड्यूस करेगा और 230 Nm टॉर्क। साथ ही इसमें 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स होने की उम्मीद है। और दोस्तों, उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये कार भी लॉन्च हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।